हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच क्या होता है? लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो द कंटीजेंसी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाई मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स एंड रिसर्चर्स who tried to apply the concept of earlier approaches to real life situation। ठीक है, देखो contingency approach किसने develop किया था? तो ये उन managers, उस consultant या उन researchers द्वारा develop की हुई एक approach है, जिन्होंने क्या किया था, जो हमने previous approaches पढ़े हैं, उन्होंने उस प्रीवियस अप्रोचेस को क्या किया था, रियल लाइफ सिचुएशंस पे ट्राई करने का, अप्लाई करने का सोचा था। तो ये अप्रोच भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों ने ही क्या किया है, डेवलप किया है। देयर इज नो बेस्ट वे टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इज कॉन्टीजेंट अपॉन द एनवायरमेंट। ठीक है, इनमें इसमें बता रहा है कि इससे बढ़िया कोई भी तरीका आज तक नहीं देखा गया है कि अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है और उसको टैकल करने का सही तरीका क्या है। उसका सही तरीका है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, आप उनको अपने एनवायरमेंट के साथ साथ उसको क्या करो, जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसको कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे क्या करो, अप्लाई करते रहो। ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल प्लस टेक्निक्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है एनवायरमेंट से आप क्या लो, कॉन्सेप्ट्स लो और उसको प्रिंसिपल्स और टेक्निक के साथ यूज करो एक बिजनेस में। ये एक छोटे से चार्ट के थ्रू में उस एक्सप्लेनेशन को समझाया गया है। बेस्ट सॉल्यूशन इज वन विच इज रिस्पॉन्सिव टू द पिक्युलरिटीज ऑफ द गिवन सिचुएशन। देखो सॉल्यूशन क्या है, एक वही है जो आप क्या करो, जो सिचुएशन आया है उसकी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, वही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऐसा गिवन नहीं होता कि कल क्या हो जाएगा, फंड कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं, जब फंड कम हुआ या कोई और प्रॉब्लम आई तो आप सिचुएशन देख के उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो, यही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कहीं अलग से रिटन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, देखो मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल, इसमें बोल रहा है मैनेजमेंट पूरी तरीके से फंक्शनल होता है, सिचुएशनल होता है, कि कभी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है मैनेजमेंट में, जैसा कि अनप्रिडिक्टेबल होता है पूरी तरीके से। शुड मैच ऑन फिट इट्स अप्रोच टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, अगर जो सिचुएशन आई आपको, आपके पास उसके हिसाब से जो भी अप्रोच है, जो भी प्रिंसिपल है, आप क्या करो उसको अप्लाई करो उस टाइम। मैनेजमेंट सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू कोप अप विथ इट एनवायरमेंट। ठीक है, देखो मैनेजमेंट की सक्सेस पूरी की पूरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैनेजमेंट की सक्सेस पूरी की पूरी सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप एनवायरमेंट के साथ कितने अच्छे से कोप अप कर सकते हो। ठीक है, इट शुड शार्पन इट्स डायग्नोस्टिक स्किल सो एज टू एंटिसिपेट एंड कॉम्प्रीहेंडेड द इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, आपको अपनी स्किल इतनी बढ़ानी होगी कि आप क्या करो, इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है आप तुरंत क्या करो उसको अडेप्ट कर सको, उसके साथ वर्क कर सको। मैनेजर शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ नो बेस्ट वे टू मैनेज। ठीक है, मैनेजर को ये समझना होगा कि एनवायरमेंट चेंज को समझने के साथ साथ उसके साथ कोप अप करने से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, फिर इसके कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं, मतलब क्या किए गए, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप पहले क्या करो, जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको अच्छे से समझो, देखो कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है और कैसी सिचुएशन है ये। स्टडी एंड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स टू द सिचुएशन। फिर आपके पास जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको पढ़ो, एनालाइज करो और देखो कि उस सिचुएशन के साथ कौन सा सूट कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है,
मेक द राइट चॉइस बाय मैचिंग द टेक्निक टू द सिचुएशन. फिर आपको सही डिसीजन लेना होता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक मैच कर रही है, उसको चूज करो आप. और फिर क्या करो, इम्प्लीमेंट द चॉइस. आप क्या करो, उस जो आपने चूज किया है जिस टेक्निक को, उस टेक्निक को क्या करो, अप्लाई करो. फिर हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ अप्रोच, कि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, कहाँ पे है. तो क्लियर व्यू ऑफ द रियलिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल जॉब. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं मैनेजरियल जॉब का एक रियलिटीज होती है, उनको ये बात पता होना चाहिए कि ये होना ही होना है. ठीक है, और हम अक्सर देखते भी हैं कि मैनेजरियल जॉब में ये ज़्यादा क्या आता है, ये अप्रोच यूज में आता है, बिकॉज उन्हीं को सारे सिचुएशंस टैकल करने पड़ते हैं. सजेस्ट सिचुएशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन, उनको क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताना पड़ता है. ऐसा नहीं कि उनको पहले से जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा हो तो उनको 10 सॉल्यूशन लिख के देना है, नहीं, जो सिचुएशन आई उस अकॉर्डिंग उनको स्पेसिफिक सॉल्यूशन देना है. कॉमन सेंस वैल्यू एंड वाइडनेस प्रैक्टिकल यूटिलिटी, उनके पास कॉमन सेंस होना चाहिए और उनके पास एक प्रैक्टिकल, मतलब कि उनका स्कोप बड़ा होना चाहिए, वो कहीं भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इतना कॉमन सेंस उनके अंदर होना चाहिए. इंटीग्रेट क्लासिकल अप्रोच प्लस अप्लाई कॉन्टिजेंट टू सिचुएशन. ठीक है, आप क्या करो, जो अलग अलग क्लासिकल्स अप्लाई हैं, अरे क्लासिकल अप्रोचेज हैं, आप उनको क्या करो, इंटीग्रेट करो, लगा लगा के देखो और अपने सिचुएशन के साथ उनको क्या करो, अप्लाई करो. ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड टू बी ऑलवेज इफेक्टिवली मैनेज्ड इन द सेम मैनर. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, काफ़ी चेंज होता रहता है, तो उसको हमेशा इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए एक ही तरीके से. ठीक है, एक ही तरीके से अच्छे से उसको मैनेज करना चाहिए. नो गोल्डन रूल अप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं दिया गया है. जैसे अकाउंट में 3 गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी गोल्डन रूल नहीं दिया गया है जो कि आपके सारे सिचुएशन पे क्या हो, एप्लीकेबल हो जाए. फिर नेक्स्ट है हमारा निगेटिव्स, लेकिन इसके कुछ निगेटिव्स भी होते हैं. जैसे सबके पॉजिटिव्स होते हैं तो इसके कुछ निगेटिव्स भी होते हैं. तो इसके निगेटिव्स क्या है, लोगों में कन्फ्यूजन्स आते हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, इतने सारे अप्रोचेज हैं, सबको पढ़ना, एक ही सिचुएशन में अप्लाई कर करके देखना तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है. न्यू थ्योरेटिकल फाउंडेशन, नो थ्योरेटिकल फाउंडेशन, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं होता, सब कुछ अपने कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. डज नॉट इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी. हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के कि हर थ्योरी, हर एस्पेक्ट्स को एनालाइज नहीं किया जा सकता. ठीक है, रिएक्टिव स्ट्रेटजी रेदर देन प्रैक्टिव थ्योरी. ठीक है, प्रोएक्टिव थ्योरी, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें तुरंत रिएक्टिव स्ट्रेटजी कि उसके साथ कौन सी थ्योरी रिएक्ट करेगी. ठीक है, इसमें प्रोएक्टिव थ्योरी जैसा कुछ भी वर्क नहीं करता है. तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. थैंक यू.